और चिंता का विषय सामने आया है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निकट संबंधी के बेटे पंकज सुराणा ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने दुपट्टा पहना करके भाजपा ज्वाइन करवाई है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की सरकार को लगातार बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं और अभी राजस्थान के अंदर झटके लगना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर पेपर लीक मामलों से ही निपट नहीं पा रही है, दूसरी तरफ दंगे भी राजस्थान में भड़क रहे हैं और इनका निपटारा नहीं हो पा रहा है, तो वहीं अपने कार्यकर्ताओं को भी खुश करने में नाकाम रहती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते हुए वह सब भाजपा ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल अभी क्या अपडेट्स सामने आई है, किस प्रकार से भाजपा में उन्हें शामिल किया गया है, सीधा रूबरू कराते हैं हमारे इस रिपोर्ट से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वर्षों तक निकट सहयोगी रहे राजस्थान आवासन मंडल के निदेशक स्वर्गीय जवाहर सुराणा के बेटे पंकज सुराणा ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंकज सुराणा को भाजपा का दुपट्टा पहना करके और पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत और सदस्यता ग्रहण करवाई है। भाजपा जोधपुर शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने बताया कि कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर का असर जोधपुर में भी नजर आने लगा। कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद में जोधपुर युवा कांग्रेसी भी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर के भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में जोधपुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वर्षों तक निकट सहयोगी रहे राजस्थान आवासन मंडल के निदेशक स्वर्गीय जवाहर सुराणा के पुत्र पंकज सुराणा ने शुक्रवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी और भाजपा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न मेहता, महापौर वनिता सेठ की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान जिला महामंत्री देवेंद्र सालूचन, महेंद्र मेघवाल, डॉक्टर करणी सिंह खींची, जोधपुर उत्तर निगम के नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मी नारायण सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे और उन्हें बधाइयां भी दी।